हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम सीएस ऋतु। आज का वीडियो है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड पे। पीएफसी ने आज अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं मार्च क्वार्टर और ईयर एंडेड मार्च 2023 के। रिजल्ट्स के साथ कंपनी में डिविडेंड की डिक्लेरेशन भी हुई है। कैसे नंबर्स आए हैं पीएफसी के, कितने का डिविडेंड इस कंपनी ने डिक्लेयर किया है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रेवेन्यू की अगर बात करें, ये कंसोलिडेटेड डेटा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं टोटल रेवेन्यू कंपनी ने रिपोर्ट किया है 20,061 करोड़ का, जो कि लास्ट क्वार्टर से इंक्रीज हुआ है एंड लास्ट ईयर मार्च से भी इंक्रीज हुआ है। लास्ट ईयर मार्च से कंपनी के रेवेन्यू में अराउंड 6% का इंक्रीज कंपनी ने रिपोर्ट किया है। फुल ईयर के लिए कंपनी का रेवेन्यू आया है 77,568 करोड़ का, जो कि लास्ट ईयर से इंक्रीज है। फुल ईयर के लिए कंपनी का रेवेन्यू लास्ट ईयर से 2% की ग्रोथ दिखा रहा है। एक्सपेंसेस कंपनी के रिड्यूस हुए हैं मार्च क्वार्टर में। पीएफसी ने एक्सपेंसेस रिपोर्ट किए हैं 12,312 करोड़ के, जो कि लास्ट क्वार्टर से भी रिड्यूस हुए हैं एंड लास्ट ईयर मार्च से भी रिड्यूस हुए हैं। फुल ईयर के लिए भी कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस में रिडक्शन रिपोर्ट किया है लास्ट ईयर से। आफ्टर ऑल टैक्सेस नेट प्रॉफिट पीएफसी ने रिपोर्ट किया है 6,129 करोड़ का। नेट प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ है लास्ट ईयर से भी एंड लास्ट क्वार्टर से भी। लास्ट ईयर मार्च से कंपनी के नेट प्रॉफिट में अराउंड 43% की ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट की है, जो कि एक अच्छी ग्रोथ है। फुल ईयर के लिए कंपनी का नेट प्रॉफिट आया है 21,179 करोड़ का। लास्ट ईयर कंपनी का प्रॉफिट था 18,768 करोड़ का। लास्ट ईयर से कंपनी के प्रॉफिट में 12% की ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट करी है। ईपीएस भी इंप्रूव हुआ है। मार्च क्वार्टर में ईपीएस आया है 17.71 रुपीज, जो कि लास्ट ईयर मार्च से भी इंप्रूव हुआ है एंड लास्ट क्वार्टर से भी इंप्रूव हुआ है। फुल ईयर के लिए भी ईपीएस इंप्रूव हुआ है। फुल ईयर के लिए ईपीएस आया है 60.19 रुपीज, जो कि लास्ट ईयर से इंप्रूव हुआ है। कंपनी ने डिविडेंड की डिक्लेरेशन भी की है आज। 4.5 रुपीज पर शेयर के हिसाब से फाइनल डिविडेंड पीएफसी में डिक्लेयर हुआ है फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23। इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट भी कंपनी ने अनाउंस कर दी है। रिकॉर्ड डेट है 16 जून 2023। ये डिविडेंड पे हो जाएगा एलिजिबल शेयर होल्डर्स को एजीएम होने के 30 डेज के बाद। कंपनी ने इस ईयर में 8.75 रुपीज का इंटरम डिविडेंड पहले डिक्लेयर कर दिया है। इसमें अगर हम आज का फाइनल डिविडेंड इंक्लूड करें तो टोटल डिविडेंड फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23 कंपनी की तरफ से आ जाता है 13.25 रुपीज का। इस डिविडेंड को अगर हम कंपनी के शेयर के करंट प्राइस से कैलकुलेट करें, जो कि 170 है, तो इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड आता है अराउंड 7.79% का। सो 8% के अराउंड कंपनी का डिविडेंड यील्ड है, जो कि एक अच्छा डिविडेंड यील्ड है किसी भी कंपनी के लिए। सो ये है पीएफसी के फाइनल रिजल्ट्स। कंपनी ने रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड की डिक्लेरेशन भी की है। अगर आप चाहते हैं हम स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस भी लेकर आएं, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। टारगेट्स की अगर बात करें तो येस सिक्योरिटीज के एनालिस्ट की तरफ से पीएफसी के शेयर के लिए टारगेट आए हैं 182 रुपीज के एंड स्टॉप लॉस का लेवल उन्होंने बताया है 165 रुपीज का। सो ये लेटेस्ट अपडेट है पीएफसी के बारे में। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है प्लीज लाइक इट, प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।